हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह के बज गए हैं 2:49। ये देखिए, तो आप सोच रहे होंगे इस टाइम ब्लॉग कैसे स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली क्या है, आज है सरप्राइज। सरप्राइज कैसा है, आज है दीपिका का बर्थडे, अन्नू का। तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी घर में ही, और अभी हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए। गैस थंबनेल देख लो, आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ के लिए निकल रहे हैं। तो हमारी पैकिंग हो चुकी है, बच्चे रेडी हैं, सब रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ और बैग भी पैक है। बस अभी थोड़ी देर में कैब आ रही है, कैब में बैठेंगे और निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे गोवा में। यस, गोवा में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ब्लॉग को एंड तक देखना, और प्लीज़ यार जैसे प्यार आप दे रहे हो ऐसे देते रहें, और मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और प्लीज़ यार वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर रहा हूँ कि कैसे लगी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें, और कमेंट में जरूर लिखने की कि क्या क्या मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए अपनी वीडियो में। तो चलो अभी केक कटिंग करते हैं, और मैं अभी केक लेके आया हूँ अपनी वाइफ के लिए। कौन सा हथौड़ा मार केक तो पहले हम केक खाता करते थे, अब धीरे धीरे अब चेंज होता जा रहा है, अब हम केक तोड़ना शुरू कर रहे हैं। ये देखो, तो चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट करूं? हाँ? रुक जाओ, मम्मा घूम रहा है। तो केक कुछ इस टाइप का है, ये देखो। वाह, इट्स लुकिंग नाइस। देखो मम्मी, थोड़ा हमें टेक्सचर दिखाना होता है। टेक्सचर दिखाना है? मुझे बूमरान बनाना होता है अपने इंस्टाग्राम के लिए ना। रुक जाओ मम्मा। या हम थोड़ा आराम तोड़ना है, नीचे टेबल भी ग्लास है तो कहीं वो भी ब्रेक ना हो जाए साथ में। और ये आई स्टार्ट। तुम्हें समझ के तोड़ो या केक समझ के तोड़ो? और कुछ भी समझना समझ लो, बस केक तोड़ना है। ओ, एक बार टूट गया। वाओ वाओ वाओ, पार्टी इज बिगन। और केक कटिंग के साथ हमने पार्टी अपनी बिगन कर दी है। अब जा रहे हैं एयरपोर्ट, देन उसके बाद अपनी फ्लाइट लेंगे और निकलेंगे गोवा के लिए। व्यू, इट्स डिलीशियस। नाइस। एक्चुअली ये केक जो आया ये मेरी फ्रेंड की बेकरी से आया, केक कंपनी जोमेटो स्विगी पे दोनों पे अवेलेबल है, तो एक बार जरूर ट्राई करना, केक काफी डिलीशियस मिलता है। मजा आ जाएगा खा के आपको। और देखो इसमें क्या क्या भरा हुआ है, जैम्स ही जैम्स है अंदर, और फिलिंग पूरी चॉकलेट की है। वाओ, किटकैट। इस लुक, थैंक यू सिमरन भैया। सिमरन भाई यार वीडियो को देख रहे हो तो आपकी भाभी आपको थैंक यू बोल रही है केक के लिए। काफी अच्छा केक है, केक बहुत ही अच्छा है। यम्मी यम्मी। तो अभी अपना बैग हो गया सब पैक, मेरा कैमरा बैग, लैपटॉप, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी है काफ़ी कुछ, और अपना डेटा भी ट्रांसफर करना है, तो इसके लिए आप सब कुछ प्रिपरेशन के साथ चल रहे हैं। हिमो, हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा वाले बीच पे। बाबू इस बार काफ़ी इंजॉय करेगा क्योंकि वो लास्ट टाइम गया था तो थोड़ा छोटा था, 2 साल का था, 3+ हो गया है, तो इस बार काफ़ी इंजॉय करेगा क्योंकि उसे समझ में आने लगा है कि सब कुछ। हम कहाँ जा रहे हैं? ओके किको, आपको तो काफी टाइम हो गया, जाते जाते कितनी बार गए हो आप? जब मैं गई थी तो मैं 8 की थी, आई थिंक 8 के थे, अब 9 के हो गए ना। तो लास्ट आप 4 टाइम्स गोवा गए हो? नहीं, मैं लास्ट टाइम जब आप फर्स्ट टाइम गोवा गए थे तो आप सिर्फ 4 मंथ्स के थे। वाओ, ओ इस बात पे लाइक टच। निन्नो निन्नो मतलब? अच्छा एक बार वो गाना सुना दो, कौन सा गाना? नहीं, निन्नो निन्नो पहले। निन्नो निन्नो कौन सा गाना है? अच्छा बोलो गाइस, पापा के चैनल को निनो निनो करो। निनो निनो मींस लाइक करो, सब्सक्राइब, द बेल आती है ना, निनो निनो मतलब सब्सक्राइब। ओके, मुझे भी नहीं पता था निनो निनो मतलब सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, है ना। अच्छा एक बारी वो वाला सॉन्ग सुना दो, चुम्मा 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 चुम्मा। अच्छा सुनाओ पूरा पूरा, सुना जल्दी से सुनाओ। अच्छा एक बार वो सुना दो जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, धीमे धीमे वाला। धीमे 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 धीमे। तो गाइस चलो करते हैं अपने शुरुआत अपने सफर को, और करेंगे एंजॉय अब।
सीधा गोवा में। अभी रास्ते की बाकी है वीडियो। अभी कैब बुला ली है, कैब आ रही है, कैब में बैठेंगे और निकलेंगे अपने एयरपोर्ट के लिए। क्योंकि मैंने टाइम को सेविंग के लिए चक्कर में मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करी है, जो है सुबह 6:30 बजे की, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू गोवा। क्योंकि नॉन स्टॉप फ़्लाइट बहुत ही मुश्किल मिल रही थी, तो वो काफ़ी शाम की मिल रही थी, तो पूरा डे ख़राब हो रहा था, इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करी है। तो हाँ प्लीज़ दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब गोवा जाने से पहले आपको कोविड टेस्ट मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। क्योंकि मैंने जब टिकट बुक करी थी उस टाइम ये चीज़ नहीं थी, और कल ही मैंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, तो सबका कोविड टेस्ट नेगेटिव आया है, थैंक गॉड, पैसे बच गए, नहीं तो रिफंड नहीं होती टिकटें, तो बच गया है। तो अभी चल रहे हैं एयरपोर्ट और करते हैं। Look, you're starting your Goa. ओ Wah. बुआ बुआ। चले तो दोस्तों, अब हम बैठ चुके हैं अपनी कैब में और कैब से अब जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जी, मैं वो जा रहा हूँ। बाबू कहाँ जा रहे हो आप? पुआ। ये गोवा को बुआ बोलता है। तो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, तो अभी हम एंट्री करेंगे, उसके बाद अंदर मिलते हैं आपसे। क्या हो गया, थक गए आप? कैसे थक गए? हम दोनों बहुत चले, हम दोनों थक गए। थक गए बाबा। फोटो दोस्तों, एयरपोर्ट पर चेक इन करना भी बहुत बड़ा काम है। 2 घंटे लग गए, पहले बोर्डिंग पास की क्यू में खड़े रहे, देन उसके बाद सिक्योरिटी चेक में इतना टाइम लगा। और जाई, अगर आप भी चाहते हो ना हम हैमली से टॉय लेने एयरपोर्ट के, तो सिक्योरिटी से लाइक कर दो यार। हैमली से टॉय लेने हैं? या तो लाइक सामने। अच्छा चलो, एक टारगेट रखते हैं, अगर 1000 लाइक आएंगे तो मैं किमाया आपको हैमली से एक टॉय मिलेगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ ऑन कैमरा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या? हम दोनों का इशारा हैमली से अभी के लिए, अभी हैमली की तरफ ही इशारा दोनों का। अभी हैमली से जाना है आप दोनों को, आपको भी जाना है। क्या लेना है वहाँ से, क्या लेना है बताओ, जल्दी बताओ। पापा है, पापा की दवाई दिला दो, पापा की दवाई दिला दो, प्लीज पापा की दवाई दिला दो। फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, पापा प्लीज कैम दवाई दिला दो। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट बोर्डिंग के लिए। तो 6:45 की फ़्लाइट है हमारी दिल्ली टू मुंबई, मुंबई में हॉल्ट है हमारा, उसके बाद मुंबई से सेकंड फ्लाइट है जो मुंबई से हमें गोवा ले जाएगी। तो अभी जा रहे हैं अपने गेट पे, 42 नंबर गेट है। टीमू जीत भी हो गई है थोड़ी सी, उसको अभी चाहिए टॉय, तो कह रही है टॉय दो, उसके बाद ही फ्लाइट बोर्ड करूँगी। है बाबू, अब क्या चाहिए पहले आपको? मुझे टॉय चाहिए, बस उसे टॉय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए अभी। किमू बोलना फिर से है। तो ये हम हैं और ये हमारी फ्लाइट है और हम करेंगे फ्लाई। कहाँ जा रहे हो? वाह वाह, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? मुझे नींद नहीं आई है। आप सो जाओ ना। हाँ? आप सो जाओ ना। नहीं। अच्छा वो बोल दो गाइस, टिंटोन क्या? टिटान बाबू क्या कर रहे हो? मम्मी मैं होया आइसक्रीम बता दो इसमें गाइस को, गाइस को बता दो। थैंक यू, मैं होया सेफ्टी रूल्स भाई बाबू।
अभी हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पे, तो अभी चल रहा है कुमाया का ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो अभी बस कुमाया फटाफट से ऑनलाइन एग्ज़ाम करवा के फिर हम करेंगे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट टू मुंबई टू गोवा बोर्डिंग। बहू देखो, और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गोवा बीच पे, पहुंचने वाले हैं, अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, चलो। गाइस अब ले लिए हमने अपनी कैब और यहाँ से हम जा रहे हैं कंडोलम बीच, जहाँ पर हमने अपना होटल बुक किया हुआ है। तो अभी बस सीधा होटल पहुँचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर निकलेंगे अपने बीच की तरफ, क्योंकि थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आउटसाइड का टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री के आसपास है, तो काफ़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि दिल्ली से सडनली वेदर चेंज हुआ है, तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है। थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद ही बाहर निकलेंगे, तो बच्चे भी थक चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, बाबू और कीमू तो फ्लैट हो गए, दोनों सो रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद सारे रिफ्रेश हो जाएंगे ना, उसके बाद एंजॉय करेंगे काफ़ी। तो गाइस अब हमने कर लिया चेक इन, कैसे करा? बहुत ही बकवास होटल है गाइस, फेक है ये, फेक। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, काफ़ी ही डिसअपॉइंटेड हो गए हम इस रूम को देखने के बाद। हमने ये 4-स्टार प्रॉपर्टी देख के MMT से बुक किया था, काफ़ी अच्छे रिव्यू देखे, प्लस काफ़ी अच्छा मतलब इंटीरियर और व्यू देखा इसका, बट जब हमने फिजिकली आके चेक इन किया तो वेरी बैड एक्सपीरियंस। मैं तो देख के उसका व्यू देखो, बैकग्राउंड कितना मज़ा नहीं आया, मतलब जो देखा था ना हमने MMT में वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम है देखो, छोटा सा वॉशरूम है, और रूम भी खास इतना मज़ा नहीं है, और रूम भी काफ़ी कम है इस होटल में। कहने को 4-स्टार प्रॉपर्टी कह रहे हैं बट मुझे लग नहीं रहा। अभी हम आके हमने लंच किया फटाफट, लंच में हमने कोकोनट चिकन करी एंड दाल तड़का राइस लेमन राइस ये सब मंगा के फटाफट खाना खाया, क्योंकि गोवा आए हैं भाई, थोड़ा बीच पे तो चलना है ना, हाँ बीच पे तो जाना है ना, तो अभी रेडी हो गए हैं फटाफट फुल ऑन एनर्जी के साथ। टीमू ने अपना पावर नैप ले लिया है, अब वो फुल मस्ती करेगा बीच पे जाके, है ना, हैं, अब फुल मस्ती करेगा बाबू। और ये टीमू की नींद पूरी नहीं हो रही कि माया की, कि माया किमो हम जा रहे हैं, तुम सोते रहो, बाय। बेटा पापा रेडी हो गए, मम्मा भी रेडी हो गए, बाबू भी रेडी हो गया, बस आपको देख रहे हैं, फटाफट देखो कैमरा के आगे आपको प्रॉमिस करना है ना, ये कैमरा के आगे प्रॉमिस करेगा, क्या बोलेगा? मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ।